तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काजुमा जो है यहाँ पर अयानों के साथ फाइट कर रहा होता है। अयानो जो होती है अपना फायर मैजिक का यूज करती है, बट वहाँ पे वो जो है वो चला जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी आसानी से माफ नहीं करने वाली हूँ। अब आगे अयोना जो होती है यहाँ पर होटल के अंदर आ जाती है, जहाँ पे टाइम लिमिट होता है 45 मिनट में सभी केक को खाने का, और ये जो है जबरदस्त केक खा रही होती है। इसकी दोस्त देख कर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। अयानो जो है वो कहती है कि मेरे फादर को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो है बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही है कि ये क्या बोल रही है। तो उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि ये जो है अपने फादर से नाराज है लगता है। हम देखते हैं कि जो अयानो होती है वो 5 मिनट से पहले ही पूरा केक खत्म कर देती है। इसके दोस्त कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, पर वो खड़ी होके कहती है तो मैं जा रही हूँ और ज्यादा केक लेकर आने। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सीन चेंज होता है और यहाँ अयानो के फादर जो होते हैं बात कर रहे होते हैं गेनमा से। गेनमा कहता है कि मुझे लगता है कि जब अयानो फाइट कर रही थी तो उसे बैरियर के अंदर रोक लिया था, क्योंकि वो अयानो के साथ डायरेक्ट फेस ऑफ नहीं करना चाहता था। तो यहाँ अयानो के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ तुम्हारी हर फीलिंग्स को और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं कनागी फैमिली के उन सबकी फीलिंग्स को। मुझे पता है कि इतना ज्यादा इजियर नहीं होगा, काजुमा जो है वो रियल बिलीव करता है हमारे से रिवेंज लेने में। मुझे लगता है कि काजुमा जो है ये काम नहीं कर सकता, कोई अननोन एनिमी है जो ये काम करा है उन दोनों बंदों को मारने का, और मुझे तो अभी भी सस्पेंस है। और मुझे तो आज भी समझ नहीं आता कि गेनमा तुमने जो है काजुमा को अपने से दूर क्यों कर दिया। तो यहाँ उसके फादर कहते हैं क्योंकि मैं जो हूँ कनागी फैमिली से हूँ तो मैं इसी के प्रिंसिपल के ऊपर ठहर जाता हूँ। फिर उसके डैड कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह की लाइफ एक कनागी फैमिली मेंबर जीता है उसी वजह से तुम्हारा लड़का जो है तुमसे दूर हो गया है, और तुम्हारा लड़का जो है अपनी लाइफ को जीना चाहता था, वो कनागी की तरह नहीं जीना चाहता था, वो अपने लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहता था, इसीलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ से चला गया। तो उसके जो फादर होते हैं काजुमा के वो कहते हैं कि मैं उसे वापस ले आऊंगा। अयोना के फादर कहते हैं कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो यहाँ पे गेनमा जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे बेसिक फोर्स का ही अप्लाई क्यों ना करना पड़े उसे यहाँ पर लाने का, इस बात को मैं हैंडल कर लूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काजुमा होता है वो बैठा होता है अपने अपार्टमेंट के अंदर, तभी जो है उसे फोन आता है। तो वो फोन उठाकर हेलो कहता है। यहाँ पे काजुमा कहता है कि कोई बोलेगा या मैं फोन रख दूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ उसके डैड कहते हैं कि काजुमा मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे काजुमा कहता है कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि मैं आपको फादर बोल के बोलूं? वो कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी हो, तुम फादर बोलना चाहो तो फादर बोल सकते हो। तो वहाँ पे ये कहता है काजुमा कि मुझे तो नहीं लगता कि आपने जो है मेरे को सुनने के लिए फोन किया हुआ है, 4 सालों में आपने पहली बार अपने बच्चे की आवाज सुनी होगी और मुझे नहीं लगता कि आपका पर्पज है मुझे कॉल करने का मेरी आवाज सुनने के लिए। यहाँ जो बोलते हैं काजुमा के डैड कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में काजुमा जो होता है वो कहता है कि मैंने कभी भी कनागी फैमिली नहीं छोड़ी, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अब डैड पता नहीं मुझसे क्यों मिलने आ रहे हैं। यहाँ पे वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता है, जहाँ पे वो अपने फादर से माफी मांग रहा होता है, उसके फादर उसे माफ नहीं करते। वो कहते हैं कि तुमने जो है 10 साल की लड़की को खो दिया है और तुम जो हो कनागी फैमिली के ऊपर जो हो एक धब्बे की तरह हो, मैंने तुम्हें बहुत ट्राई किया कि तुम जो हो एक फायर मैजिक यूजर बनो, बट तुमने जो है सब कुछ बिगाड़ दिया है और तुम्हारे अभी प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस फैमिली से निकालता हूँ, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि जो फायर मैजिक का यूज नहीं कर सकता वो कनागी फैमिली का मेंबर भी नहीं रह सकता। यहाँ पे जो होता है वो बहुत माफी मांगता है, वो कहता है कि डैड प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं नहीं चाहता यहाँ से जाना, मेरे को जाना मत दीजिए। बट यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ रेन जो है वो मेरा एक ही बेटा है, तुम मेरे
कोई बेटे नहीं हो। अब यहाँ पे वो जो है उनका हाथ पकड़ के बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने मत दो। फिर वो जो है उसे एक घुसा मार देते हैं जिससे कि वो साइड में गिर जाता है। यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें जो है कोई टैलेंट नहीं आता, तुम टैलेंटलेस हो, तो तुम चले जाओ यहाँ से। और यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि काजुमा जो होता है वो सोचता है कि एक ओल्ड मैन जो है वो डिसाइड कर रहा था, मेरे लाइफ को कंट्रोल कर रहा था अपने एक पावर की वजह से। अब मैं जो हूँ कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता और मैं दोबारा वापस कभी नहीं जाने वाला हूँ। अब अगर वो मेरे को लेने आएंगे तो मैं सरप्राइज करूँगा उनको। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि वो जो है दोनों बंदे कैसे मरे होते हैं। वो कहता है कि मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए। यहाँ जो है आयानो के डैड से वो बोलता है, वो उसके डैड पूछते हैं कि यूया जो है तो वो कैसा है, तो बोलते हैं कि जो है वो कुछ नहीं सीखता है, वो एक जैसे थ्रेड है हमारे लाइफ के लिए और उसके लिए ये जो है कनागी फैमिली जो है अच्छी नहीं है, वो जो है सही से सीख नहीं पाता है। तो वो उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें जो है उसकी हेल्प करना चाहिए, सारा ब्लेम जो है तुम अपने बेटे पे नहीं डाल सकते हो, तो तुम्हें जो है ट्राई करना चाहिए उसे सिखाने का। तो वो कहता है कि थैंक यू सर, मैं ट्राई करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजुमा जो होता है वो शाम को यहाँ पर वेट कर रहा होता है। उसके जो फादर है यहाँ पर आ जाते हैं उसे लेने के लिए। आते ही वो कहते हैं काजुमा से कि तुम जो हो अपने आप को तैयार कर लो। तो काजुमा कहता है कि यही चीज थी पहली जो आप मुझसे कहना चाहते थे 4 सालों के बाद अपने बेटे से। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ, तो या तो तुम चलोगे खुद से या फिर मैं अपने फोर्स का यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो काजुमा है वो कहता है ठीक है फिर मैं फाइट करना पसंद करूंगा। यहाँ पे काजुमा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि बेकार की बातें मत करो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तो काजुमा कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता, बट मैं आपको सप्रेस तो कर सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा मत समझना कि मैं उन पर्सन की तरह हूँ जिसे तुमने हराया होगा, तुम्हें तो सिर्फ छोटा सा विंड मैजिक आता है, उससे कुछ नहीं होता मुझे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने सिर्फ 4 सालों में यही विंड मैजिक सीखा है। तुम अच्छे होकर भी किसी काम के नहीं हो, जैसे थे वैसे ही अभी भी हो, लगता है तुम मेरे बारे में पूरा नहीं जानते, काजुमा ऐसा कहता है। वो कहता है कि तुम जो हो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं जाने वाला हूँ कनागी फैमिली के अंदर, ये जो है तुम्हारा कुछ भी मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। यहाँ काजुमा थोड़ा गुस्से में होता है तो इसकी बातों से लग रहा है कि जैसे वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने विंड कटर का यूज करता है, तो उसके फादर जो है उसके विंड कटर को बड़े ही इजीली से डॉच कर लेते हैं और उसका विंड कटर खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना ही है क्या? फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि नहीं अभी तो मैंने स्टार्ट किया है फादर। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे विंड कटर जो है उनके ऊपर फेंकता है, बट उसके जो फादर होते हैं इस विंड कटर को भी आराम से हरा देते हैं और वो विंड कटर गायब हो जाता है। काजुमा जो है वो कहता है कि लगता है ये भी इस पे काम नहीं किया है, मुझे जो है कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में और कनागी फैमिली के बारे में क्या सोचते हो, और मैं जो हूँ ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ यहाँ खेलने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पे उसके डैड जो होते हैं वो अपने फायर मैजिक का यूज करते हैं। यहाँ जो काजुमा होता है वो भाग भाग कर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो कहता है कि आप जो है मेरे बैरियर का यूज कर रहे हैं, विंड बैरियर का, आपको जो है वो टारगेट को इतनी आसानी से नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ बर्न करना आता है। अगर स्ट्रॉन्ग बंदा है कनागी फैमिली का तो ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करेगा, फायर ही यूज कर सकता है, और आप जो है मुझे इतनी जल्दी होल्ड करके नहीं रख सकते। अब उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि फिर इस अटैक का मजा चखो तुम, पर ध्यान रहे मेरे इस अटैक से तुम मर मत जाना क्योंकि मुझे जो है तुमसे अभी और कुछ भी पूछना है। यहाँ उसके फादर जो है एक फायर बॉल का यूज करते हैं, बट यहाँ पर वो जो है यूज कर लेता है विंड का, जिससे कि ये फायर बॉल है वो अजली सप्रेस हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है। क्योंकि यहाँ जो काजुमा होता है वो बहुत सारे ट्रिक पहले से ही सीख चुका होता है अलग अलग फाइट करने की वजह से, और वो उसके फादर कहते हैं कि 4 सालों में बस तुमने जो है ये सिर्फ ट्रिक ही सीखा हुआ है, इस बात से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। यहाँ जो काजुमा होता है वो कहता है कि आप जो है मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने जो है मुझे निकाल दिया था, और मैं जो
हूँ, कभी वहाँ नहीं जाने वाला हूँ और मैं आपको बीट करूँगा नहीं तो सप्रेस करूँगा। फिर यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो एक फायर का नेक्स्ट लेवल मैजिक यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है अजूरा फायर। यहाँ पे वो देखकर बहुत ज़्यादा चौक होता है काजुमा। काजुमा कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट फायर है जिसको गॉड्स फायर कहते हैं। 1000 बंदों में से जो कनागी फैमिली के होते हैं हिस्ट्री में सिर्फ 10 या 11 बंदे हैं जो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे काजुमा कहता है कि अगर आप इस पावर का यूज़ कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक पावर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब जो उसकी पावर होती है उसका नाम होता है स्प्रिट ऑफ विंड, अब यानी आत्माओं का यूज़ कर लेता है ये विंड के साथ। अब उसका अजूरा फायर जो होता है उसके डैड का वो गायब हो जाता है और उसके डैड जो है यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। काजुमा कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सीन चेंज होता है, काजुमा जो है यहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे सेंस होता है कि कोई कनागी फैमिली का है तो यहाँ पे ये लड़का बाहर आता है तो वो कहता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे ये लड़का कहता है कि क्या आप मेरा फेस भी भूल गए, मैं जो हूँ आपका भाई हूँ, मेरा नाम जो है रेन है। तो यहाँ पे कहता है अच्छा तुम रेन हो क्या, मैं तुम्हारा फेस भूल गया था। तो वो कहता है कि हाँ जब तुम घर छोड़ के गए थे तो तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका भाई कहता है कि मैं आपको कन्विंस करने आया हूँ बिग ब्रदर। तो उसका जो भाई है काजुमा वो कहता है कि चलो फिर अंदर चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ आयानो के पास मैसेज आता है जिसे जो है रेन ने भेजा होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं जो हूँ रॉयल बेल होटल में हूँ काजुमा के साथ। यहाँ जो रेन होता है अपने भाई से पूछता है कि क्या आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ पे जो काजुमा है वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे दिमाग में एकदम से कहाँ से आ गया। फिर यहाँ रेन कहता है कि कोई भी जो एंटर करता है डायरेक्ट स्वीट किंग के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उसको जो है बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है स्पीड किंग से, तो वो जो है सबसे ज्यादा ताकतवर होता है मैजिक यूजर्स में। आप तो इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे है ना भाई। तो इसके जो काजुमा है वो कहता है कि हाँ मैं तो जानता ही हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता होऊंगा। क्योंकि यही रीजन है कि कोई कनागी फैमिली जो है फायर मैजिक का यूज कर पाता है क्योंकि उसने भी जो है एक एग्रीमेंट किया होता है फर्स्ट साहू के साथ, तो वो जो है फायर मैजिक का यूज कर लेता है, वो भी एक स्प्रिट किंग जो होते हैं। रेन कहता है भैया मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने जो है फादर को डिफीट कर दिया था और डिफीट कोई ऐसे नहीं कर सकता है, उनको डिफीट करना इम्पॉसिबल है, जबकि तुम जो हो एक कॉन्ट्रैक्टर हो इसीलिए तुमने जो है उन्हें डिफीट कर दिया है। यहाँ पे काजुमा कहता है कि क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो मेरे मजे लेने के लिए। तो यहाँ पे रेन कहता है कि नहीं मुझे माफ कर देना, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। फिर यहाँ रेन कहता है कि आप ही वही विंड मैजिक यूजर हैं जो कनागी फैमिली के बंदों को मार रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो पहले ही सबको बताया था कि मैं वो नहीं हूँ, बट वो लोग है मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। फिर यहाँ रेन कहता है कि भैया आप चलो घर पे सबको बता देना, सबको क्लियर कर देना। काजुमा कहता है कि नहीं अब मैं दोबारा कनागी फैमिली में नहीं जाने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, मेरा नाम जो है काजुमा यागामी है और मैं जो हूँ कभी वहाँ नहीं जाने वाला क्योंकि कनागी फैमिली ने मुझे भगाया था, मैंने उन्हें नहीं भगाया था। और जो कनागी फैमिली के मेंबर्स को मार रहा है उसे तो अनायो भी हैंडल नहीं कर सकती जो वहाँ की अब सुपीरियर बनने वाली है, और ये जो ओल्ड मैन है वो तो अब फाइट करेगा ही नहीं। ओल्ड मैन यहाँ पे वो अपने फादर को बोलता है। तो उसका छोटा भाई रेन कहता है कि भैया आप किस तरह से कैसे बोल सकते हैं, बहुत अजीब हैं आप चलते क्यों नहीं कनागी फैमिली में, आप वहाँ के एक पार्ट हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या मजबूरी है कि आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं मैं कनागी फैमिली का मेंबर अब नहीं हूँ और मैं जो हूँ कभी भी वापस नहीं जाने वाला हूँ रेन, क्योंकि जो है मुझे उन लोगों ने बाहर निकाला है। अब यहाँ जो रेन होता है उसे देख कर रोने लग जाता है। फिर यहाँ काजुमा जो होता है वो कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो रेन है वो कहता है कि मैं तो आपको यहाँ पर कन्विंस करने के लिए आया था, मैं नहीं कर पाया हूँ आपको अभी तक कन्विंस। फिर यहाँ काजुमा कहता है अच्छा अच्छा ठीक है तुम अपना मुंह साफ कर लो और यहीं पे रात को रुक जाना, कल मैं तुम्हें जो हूँ ले चलूंगा अब तुम्हारे घर पे। फिर रेन जो होता है इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि उसके बड़े भैया उसके साथ उसे छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ आयानो जो होती है भाग भाग कर उसकी होटल की तरफ आ रही होती है, वो कहती है कि अब मैं वेट नहीं कर सकती हूँ तुमसे मिलने के लिए। हम देखते हैं कि जो रेन होता है वो यहाँ सो रहा होता है और काजुमा जो होता है यहाँ बैठ कर उसे देख रहा होता है।
जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है अपने भाई को सोता हुआ देखकर। तभी उसे जो है फील होता है कि कोई जो है स्प्रिट यहाँ पर आ चुका है। स्प्रिट जो होता है इस बिल्डिंग पर हमला कर देता है, जिसे बिल्डिंग जो है वह पूरी तरह कट के नीचे गिरने वाली होती है। इसीलिए वो उसे उठाकर चलने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि आयनो यहाँ आ जाती है, बट वो लोग जो है यहाँ शीशा तोड़कर नीचे कूद जाते हैं। जाते हुए जो काजुमा है उसे देख लेता है आयनो को, बट वो जो है वहाँ पे रुकता नहीं है, वो आगे की तरफ चला जाता है। बट ये जो है आयनो देखकर बहुत चौंक जाती है, क्योंकि बिल्डिंग जो है इसके ऊपर गिरने ही वाला होता है। वो अपने फायर अटैक का यूज कर लेती है और यहाँ पर ये दोनों एक पार्क में आ जाते हैं। यहाँ पे वो अपने भाई को जाके बोलता है कि तुम जाके वहाँ छुप जाओ। उसका भाई वहाँ छुप जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो स्पीड होता है वो सामने आ जाता है। तो यहाँ काजुमा कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हारी पूरी बॉडी को देखा है, वैसे ये दिन देने के लिए उसके लिए थैंक यू। काजुमा जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कनाकी फैमिली के साथ क्या करते हो और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बट मेरे यहाँ पे जो है अभी भाई है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम जो हो मेरे साथ अभी फाइट करो। हम देखते हैं कि काजुमा के ऐसा बोलने के बाद भी वो यहाँ से नहीं जाता है। तभी वो जो है विंड कटर यूज करता है, बट उसे जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसके भाई की आवाज आती है, बिग ब्रदर। वो जो है जाके देखता है, उससे पहले ही वो बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है। काजुमा के बहुत ही करीब आ जाता है और काजुमा उसे देखकर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तुम तो वो हो, बट वो जो है यहीं पे गायब हो जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पे वो कहता है कि उसका भाई जो रेन यहाँ से गायब हो चुका होता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करने दोबारा जरूर आऊंगा। हम देखते हैं कि आयनो जो होता है उसके ऊपर बिल्डिंग गिरी होती है, तो वो बाहर आ जाती है। वो अभी तक मरी नहीं होती है। वो बाहर आके ढूंढती है कि काजुमा कहाँ पर है, पर काजुमा यहाँ होता ही नहीं है। यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।